कौन बनेगा राजस्थान का नया सीएम? सचिन की ताजपोशी या नए नाम पर मुहर? राजस्थान में आज फैसले की घड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ राजस्थान के सीएम की कुर्सी भी संभालने की इच्छा रखने वाले अशोक गहलोत की नहीं चली और अब आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। आज शाम 7 बजे जयपुर में राजस्थान विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नाम पर मुहर लगेगी। जयपुर में आज सीएम गहलोत के घर पर यह बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट सीएम पोस्ट के लिए मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। सचिन पायलट बीते 3 दिन से राजस्थान के विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। शनिवार को भी वो विधानसभा में कई कांग्रेस विधायकों से मिले। इरादा एक ही है, आलाकमान पर इस बात का दबाव बनाना कि विधायक उनके हक में है। हालांकि विधायकों की असली राय आज की बैठक में सामने आएगी, लेकिन हवा का रुख बदल रहा है। गहलोत के कट्टर समर्थक रहे बीएसपी से कांग्रेस में आए और मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा अब सचिन पायलट का नाम जप रहे हैं। राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। और फिर ये पायलट साहब जब आए हैं आने के बाद जो बारिश का शगुन हुआ हमारे राजस्थान में, इसको अच्छा शगुन मानते हैं। माना यह जा रहा है कि गहलोत अब भी सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देने के इच्छुक नहीं है। उधर बीजेपी इस सियासी बदलाव और खींचतान को लेकर कांग्रेस पर तंज कर रही है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा कौन नहीं रहेगा इसके ऊपर चला केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राही माम कर रही है। राजस्थान में ये बड़े बदलाव का दौर है। राजस्थान में कमान बदलने से ये भी साफ होगा कि अगले साल का चुनावी मुकाबला कैसा होगा।